22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें केवल 16 दिन बचे हैं। राम मंदिर आंदोलन के महंत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती इस आंदोलन में 25 बार जेल गए हैं। लाठी खाने और जेल जाने के बाद भी उन्होंने कभी राम मंदिर आंदोलन से दूरी नहीं बनाई। एक खास बातचीत में डॉक्टर रामविलास ने विपक्ष को लेकर काफी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल और ममता को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। जो लोग राम को काल्पनिक बता चुके हैं वो इस समारोह में कैसे आ सकते हैं। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी को देश के हिंदुओं नहीं मुसलमानों के वोटों की चिंता है, इसलिए मुझे पता है कि आमंत्रण के बाद भी ये लोग 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं आएंगे। हमारा काम था उनको सम्मान देना, आमंत्रित करना। वो जिम्मेदारी हमारे लोग निभा रहे हैं। राम तो सबके हैं, पर जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बता रखा है वो इस समारोह में कैसे आ सकते हैं। खैर, अब देखना होगा कि महंत और पूर्व सांसद की ये बात कितनी सच साबित होती है। सोनिया, राहुल, ममता 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचते हैं या नहीं, ये काफी बड़ा दिलचस्प मामला होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।